हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो आज रात को होने जाने वाला वुमेन्स वर्सेस मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागो वुमन और वेलिंगटन वुमन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ओवल डनेडिन में, जो कि ओटागो का होम ग्राउंड है। करंट पोजीशन की बात करें तो वेलिंगटन 4 मैच खेल के 3 जीती है, एक मैच जो हारे थे वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से, वही एक लौता हार उनको सहना पड़ा है और अभी वो दूसरे स्थान पर हैं। ऑकलैंड एक मैच ज़्यादा खेल के उनसे ज़्यादा खेली है और वो पहले स्थान पर अभी के लिए है, लेकिन कल का मैच अगर वेलिंगटन जीत जाती है तो फिर से पहले स्थान पर वापस आ जाएंगे। ओटागो दूसरी तरफ से 4 मैच खेल के 2 जीत 2 हार और वो 5वें स्थान पर हैं। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें तो ओटागो वुमेन आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे होती हुई दिख सकती है, मतलब आगे नहीं, मतलब कंपिटेटिव मैं कहूँगा, 2-3 से ही वो पीछे हैं। आपको लग सकता है कि भैया ओटागो लगता है बहुत अच्छा कुछ करती होगी इस फिक्स्चर में, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। एक प्लेयर, बस एक प्लेयर के वजह से ये पूरा फिक्स्चर जो है, कभी ओटागो के सपोर्ट में जो रहा करता था अभी ओटागो के अगेंस्ट में चल रहा है। अभी ऐसा क्या है कि वो एक प्लेयर कौन है और ऐसा क्या उन्होंने इफेक्ट रख दिया कि मतलब पूरा फिक्स्चर ही जो है ओटागो के सपोर्ट से वेलिंगटन के सपोर्ट में आ गया, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो वेदर वगैरह बात करें तो क्लियर है, क्लाउडी हमेशा ही डनेडिन में रहता है, ये तो आपको पता ही होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है। तो जिस प्लेयर की मैं बात कर रहा था वो है ली कैस्पेरिक। अभी वेलिंगटन वुमन के होकर खेलती है, आपको पता ही होगा, ये पहले खेलती थी ओटागो वुमन के होकर और ये प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह वहाँ पर यूज होती थी, एक बहुत ही मेजर रोल वो वहाँ पर प्ले करती थी, यही उनका काम था वहाँ पर। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जब से वो वेलिंगटन वुमन में आई है, मतलब पिछले सीजन से जब से वो वेलिंगटन वुमन में आई है, ओटागो का जो भी रेजिस्टेंस था ना इस फिक्स्चर में पूरी तरीके से खत्म हो गया। मैं आपको ये जो फिक्स्चर है दो हिस्सों में डिवाइड करके समझाऊंगा, ठीक है, विद ली कैस्पेरिक ओटागो और विदाउट ली कैस्पेरिक ओटागो। ध्यान से देखो, तो ये है पहला मैच, ओटागो ने बनाया 158, जहाँ पर ऑफकोर्स सूजी बेट्स थी टीम के होकर, ली कैस्पेरिक और केटी मार्टिन, ये नाम भी जरा गौर से देख लीजिएगा। अभी क्या है कि इनका नाम सभी ने सुना है लेकिन परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं चल रहा है उनका, कीपिंग से फिर भी ठीक कर रही है, बैटिंग से नहीं चल रही है। और कल के मैच में तो और भी बड़ा बड़ा इशू आने वाला है इनको लेने में, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा क्रेडिट का इशू आपको मिलने वाला है, वो क्यों कैसे वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। फिलहाल के लिए देखते रहो, बॉलिंग में ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने एक दो करके विकेट निकाले थे। वेलिंगटन 121 पर निपट गई थी। ली कैस्पेरिक आप देख सकते हैं बैटिंग से 30 रन, बॉलिंग से 4 विकेट, अकेले ही यहाँ पर लीड किया और ऑकलैंड को जितवा दिया। अच्छा, सोफी डिवाइन यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाई थी, आप देख सकते हैं एक विकेट ही बस था उनके खाते में, बैटिंग से कुछ खास नहीं। एमिलिया कर लेकिन बेटर उनका परफॉर्मेंस था। उसके बाद अगला मैच, ये मैच भले ही वेलिंगटन में जीत गई थी गए थे, लेकिन यहाँ पे रन बना सके पॉली इंग्लिश। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो, ये है सूजी बेट्स जो टॉप ऑर्डर में खेलती है, बाकी के सारे बैट्समैन जो है ना ये मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर से आ रहे हैं, वो अलग बात है कि उन्होंने रन भी बनाया था लेकिन कंट्रीब्यूटर्स वहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पर ओटागो की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी, यहाँ पर कैस्पेरिक खेल नहीं रही थी इस मैच पर, तो पॉली इंग्लिश ये पहले मिडिल ऑर्डर में आती थी, साथ में ग्रिफिथ, ये भी लोअर मिडिल ऑर्डर की ही बैट्समैन है, बॉलर ही है बेसिकली लेकिन बैटिंग कर सकती है। एमिलिया कर ने लीड किया और उसके बाद डाउटी, जिन्होंने यहाँ पर भी आपने देखा होगा कुछ विकेट्स निकाले थे, लेकिन ये कल के मैच में खेलेंगी नहीं क्योंकि स्क्वाड में नहीं है, साथ में एमिलिया का परफॉर्मेंस भी है और बेट्स के 2 विकेट। और ये है आखिरी मैच जब ली कैस्पेरिक खेलती थी ओटागो के होकर, यहाँ पर भी नोटिस करो 150, केटी मार्टिन के रन है फिर से, पॉली इंग्लिश के फिर से रन है, एमिलिया कर के यहाँ पर भी विकेट्स हैं, न्यूटन के 2 विकेट्स, वेलिंगटन चेज नहीं कर पाई। ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिनमें से सिर्फ बर्ड्स अभी अवेलेबल हैं, लेकिन ली कैस्पेरिक बोरिंग से फिर से धागा खोल दिया, मतलब दो जो मैच वो खेली थी विद ओटागो अगेंस्ट वेलिंगटन, दो मैच में उनके खाते में से 7 विकेट, ठीक है, और वही दो जीत जो आपने ऊपर देखा 3-2 का, वही दो जीत है जो ओटागो के इस फिक्स्चर में नसीब हुई है, और वो भी थी किसकी देन, ली कैस्पेरिक की देन। ना सूजी बेट्स ना केटी मार्टिन कोई भी उस तरह का डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया था जिस तरह का डोमिनेशन ली कैस्पेरिक ने दिखाया था, ठीक है। बाकी यहाँ पर ओटागो फिर से जीत गई। अभी देखो कि जब से ली कैस्पेरिक गई है इस टीम से तब क्या हो गया है। ये है पहला मैच, वेलिंगटन ने बनाया पहले बैटिंग करते हुए 189। अच्छा, एक चीज़ हमने नोटिस करी होगी, सोफी डिवाइन का कुछ भी परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं था, पहले मैच पर सिर्फ 1 विकेट था, उसके बाद यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, पिछले सीजन में देखो
विलिंगटन ने यहाँ पे 189 खड़ा किया था, रन बनाया था रेचल प्रीस्ट और मैडी ग्रीन ने ब्लैक कार्सन जेंसन के विकेट से। ओटागो बैटिंग कुछ खास नहीं कर पाई एज यूजुअल। केटी मार्टिन ने यहाँ पर भी कुछ कंट्रीब्यूट करा था बेला जेम्स के साथ। बॉलिंग में ये कुछ विकेट टेकर्स थे, जेस्कर, अमलिया कर, डाउटी और कैस्परे। अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में पहले ही मैच में उन्होंने 2 विकेट निकाला। और आखिरी जो मैच हुआ यहाँ पर ओटागो 96 पर निपट गए। केटी मार्टिन, बेला जेम्स, यहाँ पर भी इनका परफॉर्मेंस था। केटी मार्टिन एक कंसिस्टेंट स्कोरर रह रहे हैं आप देख सकते हैं, और बेला जेम्स ने भी पिछले सीजन में दोनों ही मैच बनाया था। बेला जेम्स जो है ना ये 50 ओवर टूर्नामेंट से अच्छे फॉर्म पर हैं, लेकिन क्या है कि इनको मौके ज़्यादा नहीं मिलते हैं। कैप्टन है टीम की, नंबर 6-7 पे आती हैं तो T20 क्रिकेट में बहुत मुश्किल होता है उन तक बैटिंग पहुंचना, लेकिन इस फिक्चर में बैटिंग पहुंचा है। और इसीलिए मैंने आपको ऊपर भी दिखाया, मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन से दिखाने की कोशिश करी थी पॉली इंग्लिस, लिसा ग्रिफिथ जैसे प्लेयर्स को बैटिंग मिल गई थी क्योंकि वो नीचे आती थी। मतलब इस फिक्चर में ओटावा को भले ही जीती हो या हारी हो, इनके लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों को रोल पे आना पड़ता है। बाकी कौन कैसा करेगा वो तो अलग बात है, लेकिन रोल पे आना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 96 बनाया था टीम ने, लेकिन इन दोनों बैट्समैन ने मिलाकर 50 ओवर स्कोर खड़ा कर दिया। मतलब बाकी 9 प्लेयर्स ने मिलकर 40 के आसपास कुछ बनाए होंगे, इन दोनों का स्कोर 50 ओवर था दोनों को मिला के। बॉलिंग में फिर से जेस्कर, अमलिया कर, जिनका कमाल का परफॉर्मेंस रहा है इस फिक्चर में। और इस बार सोफी डिवाइन ने बॉलिंग से 3 विकेट निकाला था, साथ में मारिका सिंह। विलिंगटन ने बनाया था 100 रन। सोफी डिवाइन के यहाँ पर भी कुछ नहीं है बैटिंग से। अभी मैं बार बार सोफी डिवाइन क्यों कर रहा हूँ, वो तो खेल ही नहीं रही। जी नहीं, सोफी डिवाइन आ रही है कल के मैच में वापस, और इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कल के मैच में आपको बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला एक क्रेडिट इशू मिलने वाला है। ठीक है, और कल के मैच में ही ना लोगों को दिमाग चलाना पड़ेगा कि किसको ले और किसको नहीं ले, क्योंकि सोफी डिवाइन अगर आ गई हैं भले ही उनका रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हो, लेकिन आप उनको मिस कर ही नहीं सकते। ये ऐसा फॉर्मेट है सुपर स्मैश में जहाँ पर सोफी डिवाइन का जो मतलब ऑरा है उसके आसपास भी कोई नहीं है। ठीक है, अगर ये BBL होता या फिर कुछ और होता तो वहाँ पे काफ़ी कम्पिटिटिव प्लेयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके क्वालिटी के आसपास भी कोई नहीं है। तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सोफी डिवाइन को ड्रॉप करने की एक बार के लिए सोच भी लें। ज़रूरत पड़े तो आप एक आध बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर दो, लेकिन सोफी डिवाइन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते भले ही वो कुछ करें या नहीं करें। ठीक है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही ले लेती है खुद। ओपनिंग बॉलिंग भी करेंगी, ओपनिंग बैटिंग भी आएंगी, 4 ओवर तो पक्का आएंगे कहीं नहीं गए, और बाकी तो आपको पता ही है ये किस तरह की क्वालिटी पोजेस करती हैं। तो यही है, लेकिन रिकॉर्ड सोफी डिवाइन के यहाँ पर बहुत खास आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो यही है डिफरेंस इस फिक्चर में विद कैस्परेक और विदाउट कैस्परेक, जो मैं आपको पहले ही मिनट में बताने की कोशिश कर रहा था। आपने देख लिया कि पहले ओटागो किस तरह से फाइट कर रही थी, लेकिन आखिरी 2 मैच जहाँ पर ओटागो की तरफ से ली कैस्परेक नहीं थे वहाँ पर उनका क्या हाल हुआ। एक प्लेयर यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंटली अभी परफॉर्म करे जा रही हैं, वो है अमलिया कर, और बैटिंग से रेचल प्रीस्ट वगैरह थी। अमलिया कर ने हमेशा ही यहाँ पर कुछ ना कुछ करा हुआ है। जेस्कर भी थी आखिरी सीजन में, लेकिन जेस्कर का करंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है भले ही उन्होंने आखिरी मैच में 2 विकेट निकाला होगा। और यहाँ पर भी देखो बॉलिंग से हमेशा ही अमलिया कर कुछ ना कुछ करे जा रही हैं हर मैच पे। उसके बाद यहाँ पर भी देखो 3 विकेट, मतलब हर मैच पे उनके हाथ में कुछ ना कुछ है। यहाँ पर 34 रन, 1 विकेट। ठीक है, सोफी डिवाइन से बेटर रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं अमलिया कर के, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अभी क्या है कि अमलिया कर को तो लगभग अभी 60% से ऊपर लोगों ने कैप्टन बना के रखा हुआ है, लेकिन कल के मैच में जब सोफी डिवाइन खेलेंगी ना, जो जो लोग देखेंगे, हो सकता है कि रात का टाइम होगा बहुत लोग एडिट भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जो लोग देखेंगे अब ये पकड़ के चलो 90% ज़्यादा लोग सोफी डिवाइन कैप्टन बनाने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप भी बनाओ, लेकिन अमलिया कर का रिकॉर्ड यहाँ पे काफ़ी डिसेंट है। हो सकता है कि मैं इस फिक्चर के लिए बोलूं कि अमलिया कर को आज भी आप कैप्टन ही बनाओ, लेकिन क्या है कि उनका रोल भी क्या होगा ये देखना होगा, वो सब मैं आगे समझाता हूँ आपको, देखते रहो बस। हेड टू नजर परफॉर्मेंस की बात करें तो केटी मार्टिन का नाम को यहाँ पर दिख जाएगा, लगभग 30 का औसत है, इसके अलावा किसी का भी नहीं है। और आपने देख ही लिया कि ली कैस्परेक के जाने के बाद किस तरह से सरेंडर किया है ओटागो वुमन टीम ने, तो उस हिसाब से 30 का औसत मतलब ऑड है, 30 से कम ही है, लेकिन लगभग 30 का औसत बुरा नहीं है। विलिंगटन के होकर अमलिया कर 33 का औसत है, और बॉलिंग में भी अमलिया कर सिर्फ 8 का औसत है, मतलब प्रति 8 रन देकर वो 1 विकेट निकालती हैं। ठीक है, और बेस्ट फिगर्स भी आप देख सकते हैं, साथ में डियाना डाउटी भी थी लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। ली कैस्परेक के ये सब कुछ है तब के जब वो ओटागो वुमन के होकर खेलती थी, बाकी 2 ही मैच वो खेली हैं विलिंगटन के होकर ओटागो के अगेंस्ट में, तो उस तरह से बताने लायक कुछ है नहीं।
तो यह है सारी कहानी फिक्सचर के बारे में, हेड टू हेड मैचेस के बारे में, क्या क्या हुआ है, कौन कौन से परफॉर्मर रहे हैं, मैंने सब कुछ बता दिया। नाम के साथ अगर आप चाहो तो जा सकते हो, काफ़ी जनता आपको मिल जाएगी कल के मैच में जो सोफी दीवान को कैप्टन भास्कर ने बनाए, लेकिन इस फिक्सचर में कैमलिया करके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी आ जाते हैं ग्राउंड में, ग्राउंड में बहुत ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं, तो जो भी मैचेस हुए हैं मैं उसी हिसाब से आपको कुछ दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है इस ग्राउंड पे ओटागो वुमेन के साथ। तो यह है पहला मैच, यहाँ पर ऑफ कोर्स ओटागो हारी थी, जहाँ पे 164 बना था, केटी मार्टिन ने यहाँ पर कुछ रन बनाए थे, बॉलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, कैंटरबरी जीत गई थी, लेकिन रन उन्होंने डिसेंट बनाए थे 164 जो था। उसके बाद ये 6 ओवर का मैच था, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखो 5 ओवर में 51 रन बने थे एक विकेट के नुकसान पर, मतलब बैटिंग यहाँ पर भी ठीक ठाक था, लेकिन इसको इग्नोर करो, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला मैच यहाँ पर 104 बनाया था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने, ओटागो ने यहाँ पर भी अच्छी बैटिंग करी थी, यहाँ पर मिली कुमार के कुछ रन आपको दिख जाएंगे। और आखिरी जो मैच हुआ था कुछ दिन पहले ही, यहाँ पर भी आपको दिखेगा ओटागो की बैटिंग सही रही थी, 15-16 ओवर में 105 रन उन्होंने बना दिया, वो भी सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। मिली कुमार और पॉली इंग्लिश यहाँ पर साथ में थी, और बॉलिंग से जेनसन ब्लैक ये कुछ बॉलर थी जिन्होंने विकेट वगैरह निकाले थे एक दो करके। तो ओवरऑल इस ग्राउंड से जो हमें देखने को मिला है हिस्टोरिकली कि बैटिंग यहाँ पर ख़राब नहीं होती है ओटागो की, कुछ ना कुछ रन वो ठीक ही बना देते हैं और विकेट्स भी ज़्यादा वो नहीं गंवाए हैं। आप नोटिस करिए होंगे कि यहाँ पर 3 विकेट गिरा, यहाँ पर भी 3 विकेट जब चेस कर रहे थे, चेस करते समय यहाँ पर भी एक ही विकेट गिरा, और यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 4 विकेट, मतलब ओवरऑल बैटिंग यहाँ पर ख़राब नहीं हुआ है ओटागो का, भले ही वो मैच हारे या जीते। तो यह है थोड़ा बहुत कुछ परफॉर्मेंस, जैसे कि मिली कुमार, केटी मार्टिन, ये कुछ नाम आपको दिख रहे होंगे जिनके कुछ बताने लायक परफॉर्मेंसेस है, और यहाँ पे खास कुछ तो नहीं है और कुछ पता नहीं है। और ब्लैक जो है इन्होंने आखिरी 2 मैच में 2-2 करके विकेट निकाला हुआ है, बस यही, ठीक है। तो यह है ग्राउंड के बारे में कुछ जो चीज़ें हैं अवेलेबल, वो हेड टू हेड की चीज़ें मैंने पहले आपको बता दिया। अभी देखते हैं स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट की बात करें तो वही है एमेलिया कर, ये कैस्परेक होगा, ली कैस्परेक, जेस कर, सोफी डिवाइन, केटी मार्टिन, एमा ब्लैक, बेला इंग्लिश, पॉली इंग्लिश और बेला जेम्स। सोफी डिवाइन मैं बार बार कह रहा हूँ रिकॉर्ड्स इनके अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या है कि ओपनिंग बॉलिंग भी आएंगी, ओपनिंग बैटिंग भी करेंगी, अगर 20 रन भी बना देती हैं और एक आध विकेट निकाल देती हैं तो इनके 40 से 50 पॉइंट तो कहीं नहीं गए, और बहुत मुश्किल होगा कि कोई यहाँ पे आपको 40-50 पॉइंट रेगुलरली कलेक्ट करके दे इस फिक्स्चर में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल लीग में सोफी डिवाइन को गलती से मिस मत करना, बड़ी लीग में अगर आप उनका क्रेडिट सेव करके कोई डिसेंट ऑप्शंस ले पा रहे हो तब आप एक बार के लिए सोच सकते हो, लेकिन बड़ी छोटी लीग में कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, प्लेइंग इलेवन की बात करें और यहाँ पे है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और यहाँ को ध्यान से देखना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब बदलने वाली हैं, ठीक है। देखो पिछले मैच तक क्या हो रहा था, एमेलिया कर, जेस कर, ली कैस्परेक, इन तीनों ने 4 ओवर करके कंप्लीट करे अपने, 12 ओवर यहाँ से गया, बाकी के बचे थे 8 ओवर जहाँ से मैडी ग्रीन 2-3 ओवर करवाती थी, मानेका सिंह को समझ लीजिए 2 ओवर मिल गए, बाकी के ओवर थैमसन न्यूटन को मिल गए, और बहुत ही रेयर ज़ारा जेटली को 1 ओवर मिल जाता था, ऐसा होता था। अभी क्या होगा कि ये जो 12 ओवर का था ये तो रहेगा ही, अभी 16 ओवर भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि सोफी दीवान 4 ओवर करवाएंगी, ठीक है। मुझे जितना पता चला है अभी तक कि उनका फिटनेस को लेके कोई इशू नहीं है, वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से ही नहीं खेली थी, तो अगर वो पूरी फिट हैं तो 4 ओवर पूरी करवाएंगी, ठीक है। तो 16 ओवर यहाँ से गए, अगर सोफी दीवान ने 4 ओवर करवा दिया, मैडी ग्रीन आपको बॉलिंग करती हुई नहीं दिखेंगी, सही है, ये बात पकड़ के चलो, मैडी ग्रीन कल के मैच में मोस्ट प्रोबेबली बॉलिंग नहीं करेंगी, और बाकी जो 4 ओवर बचेंगे वो डिवाइड हो जाएंगे जेटली, मानेका सिंह और न्यूटन के साथ। हो सकता है कि मानेका सिंह को 2 ओवर मिल जाए, नहीं भी मिल सकता है क्योंकि अच्छा मानेका सिंह को ओपनिंग बॉलिंग भी नहीं करने का मौका मिलेगा, ये आप पकड़ के चल सकते हो। सोफी डिवाइन ओपनिंग बॉलिंग पे आएंगी मोस्ट प्रोबेबली जेस कर के साथ, तो एक और प्लेयर, मतलब एक नहीं बहुत सारे प्लेयर जिनका इंपॉर्टेंस कल के मैच में कम होने वाला है, एक तो मैंने बता दिया मैडी ग्रीन, अगर ये बैटिंग से कुछ करती हैं तो करेंगी, बॉलिंग से मुझे नहीं लगता इनको ओवर मिलने वाला है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर सोफी दीवान पूरी फिट है तो 4 ओवर पूरा करवाएंगी, अगर वो फिट नहीं है तो अलग बात है। जैसे कि आपने देखा होगा ली कैस्परेक ने पहले मैच में 2 ओवर करवाया था तो उनका ओवर बहुत अलग अलग बॉलरों को मिल गया था, लेकिन आखिरी मैच में उन्होंने 4 ओवर करवाया भी और 32 विकेट्स निकाले थे, तो वही, ठीक है।
उसके बाद मानेका सिंह और ज़ारा जेनरली मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनको कोई ओवर मिलने वाला है। वैसे भी जब 6 ओवर 7 ओवर बचते थे उनमें से ही उनको मुश्किल से 1 ओवर मिलता था, अभी तो मुझे लगता है 4 ओवर ही बचेंगे तो वहाँ पर इनका नंबर आना बहुत मुश्किल है। तो यही है, ठीक है। न्यूटन एक और प्लेयर होने वाली है जिनका रोल कल के मैच में आपको कम होते हुए दिखेगा। बॉलिंग से 1 या 2 ओवर हार्डली इनको मिलेगा, मुश्किल है वो भी कि उनसे ज़्यादा मिले। और बैटिंग में देखिए, ये पहले भी काफ़ी निशा आती थी, अभी सोफ़ी डिवाइन आने से क्या हो गया, सोफ़ी डिवाइन बर्न्स ओपनिंग करेंगी मोस्ट प्रोबेबली, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद कर, उसके बाद कैस्पेरिक भी आ सकती हैं, मैकफेडियन भी आ सकती हैं, और उसके बाद न्यूटन, मतलब मिनिमम 5 या मैक्सिमम 7 तक उनको बैटिंग मिलेगी, नंबर 7 तक, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा कि ये 2-3 प्लेयर्स होने वाले हैं। मानेका सिंह पिछले मैच में ओपनिंग बॉलिंग करवा रहे थे तो क्रेडिट सेव करने के लिए ही सही, लेकिन आप उसको ले सकते थे अगर एक आदि का निकाल देती वहाँ से, तो उनका रोल गया, बैडी ग्रीन का रोल गया, न्यूटन का भी रोल जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, एमएलए कर कर ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनको लेकर आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, क्योंकि ये नंबर 4 पे बैटिंग आएंगी, और आपने जैसा कि देखा है कि जो आखिर के दो मैच ली कैस्पेरिक के अलावा खेली है ओटावा टीम ने वेलिंगटन के अगेंस्ट में, उनकी बॉलिंग बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं रही थी। अगर मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, देखो ये है आखिरी मैच, 96 पर वो निपट गए, 14 ओवर में वो कंप्लीट तो हो ही गया सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, मतलब एमिलियाकर को बैटिंग नहीं मिला। यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए उनको बैटिंग तो मिला था, लेकिन कब, जब शायद 2 ओवर या 3 ओवर ही बचे थे, यहाँ पर प्रीस्ट, मैटी ग्रीन, मतलब ओपनर 1 और नंबर 3 की मैटी ग्रीन, इन्होंने मिलकर है जो है सारा मामला निपटा दिया था, और नीचे वाले बैट्समैनों को हिट करने का ही मौका मिला था बस। तो ज़्यादा कोई मौका नहीं मिले थे नीचे वाले बैट्समैनों को बैटिंग करने के लिए, तो फिर से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ओटावा की बॉलिंग अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब कंसिस्टेंसी की कमी नज़र आ रही है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो ये एक चीज़ है कि अहमदयाकर को प्रॉपरली बैटिंग मिलेगी भी या नहीं, ठीक है। अच्छा, और बॉलिंग, लेकिन बॉलिंग इनको प्रॉपरली मिलेगी तो टीम में तो ऑफकोर्स आपके होंगे ही, मतलब टीम में तो होंगे ही, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो आप, लेकिन बैटिंग से शायद उतना मौका नहीं मिले जितना प्रॉपर मौका सोफ़ी डिवाइन को मिल जाए। भले ही उनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन मतलब रिकॉर्ड के बेसिस पर आप सोफ़ी डिवाइन जैसे प्लेयर को कंपेयर नहीं कर सकते किसी से भी, हो गया। ओटावा की तरफ से मुझे कुछ खास बताने के लिए नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि इनके कोई चेंजेस अभी होने वाला है नहीं। जिन प्लेयर्स के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट दिखा सकते हो क्रेडिट सेव करने के लिए भी, या फिर लॉजिकली भी जो है इनका नंबर आना चाहिए, उनमें से सबसे बड़ा नाम जो है केटी मार्टिन। कीपिंग के जो पॉइंट्स हैं, अगर 2 कैच भी पकड़ लेती हैं तो भी आपके 20 पॉइंट कहीं नहीं गए। उसके बाद बैटिंग में भी इनके लगभग 30 का औसत है हमेशा ही, जब भी इनको मौका मिला है इन्होंने कुछ ना कुछ तो बनाया हुआ है, तो वहाँ से अगर 20 पॉइंट और यहाँ से अगर बैटिंग से 30 पॉइंट भी कलेक्ट करके देते हैं तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है आपके लिए। उसके बाद बेला जेम्स, मुझे नहीं लगता 1% ऑफ द पीपल अगर आपके स्मॉल लीग में खेल रहे हैं कोई भी इनको लेने वाला है। मैं भी नहीं कह रहा कि ये बेला जेम्स आके शतक लगा देंगी या ऐसा कुछ, लेकिन ये एक इनफॉर्म प्लेयर है, डिपेंडेबल प्लेयर है, और जैसा कि आप देख ही सकते हैं वेलिंगटन की बॉलिंग जो है अभी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है ली कैस्पेरिक के फुल फॉर्म पे आने के बाद। कल के मैच में सोफ़ी डिवाइन भी आने वाली है, तो मतलब ये तो पक्का है लगभग कि कल के मैच में एक तो बैटिंग में झंझनाहट देखने को मिलेगी ही आपको ओटावा की तरफ से, तो इन तक बैटिंग जो है प्रॉपरली आनी चाहिए। और हिस्ट्री भी यही कह रहा है कि लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों के पास प्रॉपरली बैटिंग आती है ओटावा की तरफ से। तो बेला जेम्स कैन बी अ पंट पिक फॉर यू, जो आपको अगर 20-25 रन भी बना देती हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आखिरी मैच में आपने देखा होगा केट गैगिंग खेल रही थी सेंट्रल डिशेज की होकर, बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं करा था, लेकिन वो एक ऐसी पिक बन गई थी, क्रेडिट भी सेव कर गई थी और 30-35 रन भी उन्होंने बना दिए थे, तो वो एक अलग डिफरेंस करके गया था जिन्होंने भी उनको रखा होगा, क्रेडिट सेव करने के लिए ही सही, ठीक है। तो उस हिसाब से बेला जेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती है। बाकी बॉलिंग में तो बहुत खास कुछ रिकॉर्ड्स किसी के नहीं है। ब्लैक और कार्सन के कुछ नाम आपने देखे होंगे, लेकिन उस तरह से बताने लायक कोई नहीं है। ब्लैक एक डिपेंडेबल प्लेयर है, इस ग्राउंड में भी हमेशा उन्होंने विकेट निकाला हुआ है, तो इनको आप ड्रॉप नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए जो तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चीज़ की बात करी जाए तो हेली जेंसन ओटावा की तरफ से अगर कोई बना रहे हैं तो इनको बना सकते हैं, लेकिन याद रखना हेली जेंसन आखिरी मैच जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन के अगेंस्ट में था, जो कि खुद भी कम मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द टच नज़र आ रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी, 2 विकेट शायद निकाले थे, लेकिन उसके पहले तक हेली जेंसन का भी कुछ खास रोल था नहीं। और उसके बाद केटी मार्टिन,
या फिर पॉली इंग्लिश के साथ भी लोग जा सकते हैं। ब्लेकली भी एक इनफॉर्म बैट्समैन है, लेकिन 9 क्रेडिट लेके ओटावा के किसी बैट्समैन को लेने का सजेशन तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सामने वाली टीम की बॉलिंग किस लेवल की होने वाली है कल के मैच में। और उसके बाद कार्सन और ब्लैक में से कोई एक अगर आपको बॉलर में से देखना है तो, और यहाँ से बेला जेम्स को बस टीम में रख लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस तो है नहीं। विलिंगटन के होकर एमिलिया कर अभी यूनिवर्सल कैप्टन है, लेकिन उनका परसेंटेज थोड़ा सा घटेगा, बिल्कुल घटेगा जब लोग सोफी डिबाल को खेलते हुए देखेंगे। मैं भी यही कहूँगा सोफी डिबाल को टीम में रख लेना, ठीक है। अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो या फिर मिनीजियल टाइप कुछ खेल रहे हो और सिंगल टीम से खेल रहे हो या फिर एक आध टीम बना रहे हो, तो वहाँ पर सोफी डिबाल को आप ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको कोई डिसेंट ऑप्शन मिल गया हो तो। नहीं तो मुझे नहीं लगता सोफी डिबाल ड्रॉपेबल प्लेयर होने वाली है, क्योंकि अगर 50 पॉइंट भी कलेक्ट कर देती हैं भले ही वो कैप्टन फर्स्ट कलर नहीं बने, लेकिन टीम में रखने लायक ज़रूर होंगी। उसके बाद ली कैस्पेरिक और मैडी ग्रीन, और यहाँ से जेस्कर थैमसन न्यूटन को लोग क्रेडिट सेव करने के लिए रख रहे हैं बहुत सारे लोग, मतलब क्रेडिट सेव करने के लिए शायद 8 क्रेडिट में आपको 2 से 3 प्लेयर ही मिलने वाले हैं, तो उनमें से बेटर ऑप्शन थैमसन न्यूटन ऑफकोर्स है, लेकिन अगर उनको प्रॉपरली मौका मिले तब। बॉलिंग में तो मुझे लगता है कि मानेका सिंह को ही शायद प्रायोरिटी दी जाएगी इनके ऊपर। हाँ, इनको बैटिंग मिल सकती है लेकिन उसके चांसेस भी कम हैं, तो देखना होगा। बाकी अगर आप चाहो तो इनको ले सकते हो क्रेडिट सेव करने के लिए ही, वैसे अब लोगे इनको तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम जो है वो आपको वहीं पे मिलने वाली है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके सिवाय भी अगर आप अपने टेलीग्राम के सर्च बार पे सर्च करोगे @TMsForWin लिख के, तो 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइब वाला चैनल आपको दिख जाएगा, आराम से वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में जो टीम्स आपको मिलती हैं उनके साथ खेल सकते हो, और इसकी बड़ी जो फैमिली है हमारी उसका पार्टी बन सकते हो। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि किस लेवल का क्रेडिट इशू मेरे पास आ गया है, कोई क्रेडिट नहीं बचा है। मैंने फिर भी मानेका सिंह को रखा है, मानेका सिंह न्यूटन सेम ही है, आप किसी को भी रख लो, समझो मैं जो बताना चाहता हूँ। तो मानेका सिंह को मैंने रखा है, अगर आप चाहो इनके जगह पर न्यूटन को रख सकते हो। बाकी प्लेयर्स को देखो, मैंने यहाँ पर केटी मार्टिन को रखा है। अभी आप कह सकते हो कि भाई साहब केटी मार्टिन फॉर्म पे नहीं है, आप क्यों बेकार में 9.5 क्रेडिट इनको दे रहे हो। चलो मैं नहीं देता 9.5 क्रेडिट आपको, इनको नहीं देना है मत दो, पॉली इंग्लिश को ही रख लो, लेकिन 0.5 क्रेडिट बचा है अभी। 0.5 क्रेडिट देखा आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं बिला जेम्स के जगह पर आप ब्लेकली को ले सकते हैं, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। अच्छा, हेली जेंसन तो कहीं से भी दूर दूर तक मेरे को मैनेज नहीं हो रही है, और कुछ शायद नहीं। और यहाँ पर मानेका सिंह के जगह पर आप किसी 8.5 क्रेडिट के दूसरे प्लेयर को ले सकते हैं। हेली जेंसन को अगर मैं ले लेता हूँ तो कहीं से भी मेरा क्रेडिट बचने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ, ब्लेकली या मिलिकोवन या बेला जेंस में से किसी को भी ले लो आप, लेकिन बाकी प्लेयर्स का क्या, बाकी आप ऑप्शन का कुछ कर नहीं सकते। और पॉली इंग्लिश को मैं क्यों नहीं ले रहा, 2 रीज़न है, ठीक है। एक तो ये जो भी पॉइंट मेरे को देंगी बैटिंग से ही देंगी, बाकी कीपिंग वगैरह ये करती नहीं है। एक चीज़ समझो, अगर ये मतलब खुद से 20 रन बना देती हैं तो 20 रन की इनको मिलेंगे 25 पॉइंट्स, ठीक है। केटी मार्टिन 2 कैच पकड़ के ही 20 पॉइंट कलेक्ट कर सकती हैं, बाकी अगर 10 रन भी वो बनाती है ना तब भी ज़्यादा पॉइंट हो जाएगा। और 0.5 क्रेडिट का मेरे लिए बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास क्रेडिट बचा के कुछ मेरे को लेना होता तो मैं शायद हेली जेंसन को लेता, क्योंकि वो सेफ पिक होने वाली है, काफ़ी लोग इनको लेंगे, ठीक है। 94% जनता अभी तो इनको ले रही है, बाद में पता नहीं क्या होगा। तो हेली जेंसन तो मेरे से मैनेज हो नहीं रहा, तो यही एक बात है। बाकी अगर आप यहाँ से देखेंगे विलिंगटन के होकर, तो मेरे पास 16 ओवर है, ठीक है। बाकी मानेका सिंह या न्यूटन में से आप किसी को ले लो। मैडी ग्रीन बैटिंग ही करेंगी, बॉलिंग से आप इनसे उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर। रेबेका बर्न्स को मैंने क्यों रखा है, क्योंकि सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है वो कुछ खास अच्छी है नहीं, और हिस्ट्री ये कह रहा है जब से ली कैस्पेरिक गई हैं बैटिंग जो है विलिंगटन की अच्छी हुई है, तो मैंने रेबेका बर्न्स को रखा है। अगर आप चाहो तो रेबेका बर्न्स के साथ भी थोड़ा सा क्रेडिट का कुछ इशू है जो सॉल्व कर सकते हो, तो आपको 8.5 क्रेडिट की इन दोनों प्लेयर्स को लेना पड़ेगा, आपके पास 1 क्रेडिट जो है बचेगा। उस 1 क्रेडिट के साथ आप जेम एडम्स के जगह पर हेली जेंसन को रख सकते हो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ज़रूर हो सकता है कि इन दोनों में से आपको ज़्यादा कोई पॉइंट्स ना दे, और रेबेका बर्ड्स थोड़ा सा आपको हो सकता है ज़्यादा कुछ मतलब मैनेज करके दें, लेकिन इन दोनों का पॉइंट्स हो सकता है कि रेबेका बर्ड से कम हो, अगर वह बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते, अगर 20-30 रन बना देती हैं तो भी शायद ये दोनों आपके लिए मैनेज कर सकते हैं। कम से कम आपने हेली जेंसन को तो मैनेज कर लिया, ठीक है। ये प्रॉपर ऑलराउंडर है, हालांकि मुझे तो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि
फॉर्म जो था इनका बहुत अच्छा था नहीं, तो मैं शायद अगर मेरे पास 9.5 क्रेडिट बचे और मेरे को हेली जेंसन और केटी मार्टिन में से एक को लेना पड़े तो मैं शायद केटी मार्टिन को ही लूँ। आखिरी मैच में उन्होंने अच्छा ज़रूर करा था लेकिन वो भी किसके अगेंस्ट में वो भी देखना पड़ेगा, सेंट्रल डिशेज वोमेन जो कि इस समय सबसे आउट ऑफ फॉर्म टीम चल रही है तो उनके अगेंस्ट में। कैप्टन भास्कर ने चॉइस की बात करें, मुझे नहीं लगता कि कोई पूरी स्मॉल लीग की मतलब आपके जितने भी ओपोनेंट्स होंगे इन दोनों के बाहर कोई जाएगा, ठीक है। एमिलिया कट तो मुझे अभी भी कैप्टन चाहिए इनको, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि बैटिंग शायद ही इनको प्रॉपर्ली मिल जाए, बॉलिंग ज़रूर करवाएंगी तो इसीलिए। बाकी रिकॉर्ड्स तो इनके बहुत अच्छे हैं ही। अलग ऑप्शन आपको देखना है तो लीग एस्पेरिक अपने पुराने टीम की अगस्त में खेलेंगी और आखिरी मैच में आपने देख ही लिया उन्होंने क्या करके उन्होंने क्या करा हुआ था। इसके सिवाय मुझे नहीं लगता और कोई अच्छे ऑप्शन हैं। बड़ी लीग के लिए यह मैच बहुत सही हो सकता है, इन तीनों के ही भीतर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ और एक आध प्लेयर का ही चेंज करके मल्टीपल टीम्स आप बना सकते हो, मुझे लगता है काफ़ी फायदेमंद हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना अगर आपको लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह चाहिए। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।